दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों इस्लाम एक ऐसा धर्म है जहां पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसे लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, और उसी में से सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मुर्गी का या फिर बकरे का पंजा या उन जानवरों का पंजा जिनका गोश्त खाना तो इस्लाम धर्म में गलत नहीं माना जाता है, लेकिन जब बात पंजे की आती है तो इससे लेकर लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल उठते हैं। क्या क्या वाकई में खाना ये सही है? दोस्तों आप चिंता मत करो, क्योंकि आज हम आपको 7 ऐसी चीजें बताएंगे जो अगर किसी हलाल यानी जायज गोश्त में पाई जाती हैं तो आप उसे नहीं खा सकते हैं, वरना सब कुछ खा सकते हैं। अब वो चीजें क्या है इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों बड़े बड़े शहरों में मुर्गी या फिर मुर्गे का जो पंजा होता है उसे बहुत ही कम लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन गांव देहात में लोग इसे बड़े आराम से खा लेते हैं। जहां लोग बकरी या मुर्गी वगैरह का पंजा खाने में कोई शर्म नहीं करते। पर दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिसे जानने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि जिस जानवर के गोश्त को खाना इस्लाम धर्म में सही माना जाता है उसके शरीर का कौन सा हिस्सा खाना सही है और कौन सा नहीं, यानी कि आप इसे एक तरह का फॉर्मूला समझ लेना। क्योंकि जो हिंदू धर्म होता है वहां तो मीट को ही गलत माना जाता है, इसलिए जो बिल्कुल कट्टर हिंदू होते हैं वो मांस मच्छी नहीं खाते। हालांकि अब तो बहुत सारे हिंदू भी मीट खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन इस्लाम धर्म वाले अल्लाह द्वारा दी गई नसीहत को मानते हुए वही चीजें खाते हैं जिन्हें खाने की इजाजत दी जाती है। इसी वजह से उन्हें अपने द्वारा खाई जाने वाली चीजों के लिए काफी कंफ्यूजन होती है कि जिन जानवरों को खाना जायज है उनके शरीर का कौन सा ऐसा हिस्सा खाना सही माना जाता है और कौन सा गलत। तो हम आपको 7 ऐसी चीजें बताएंगे जिसे छोड़कर आप हलाल जानवर के शरीर का कोई भी हिस्सा खा सकते हैं। दोस्तों जो चीज नहीं खानी चाहिए उसमें नंबर 1 पर आता है बहता हुआ खून। जब जानवर को कुर्बान करते हैं तो जिस जगह से उसे काटा जाता है वहां से बहने वाले खून को खाना बिल्कुल भी जायज नहीं माना जाता, इसे इस्लाम धर्म में हराम माना जाता है। जी हाँ, किसी भी जानवर के बहते हुए खून का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी जानवर क्यों ना हो। अगर हम जानवरों में ना खाए जाने वाली अगली चीज की बात करें तो वो है पेनिस। वैसे तो ये बात बताने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मादा हो या फिर पुरुष उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह होती है जहां से जानवर का पेशाब निकलता है जो कि बहुत ही गलत जगह है, इसी वजह से उसे खाना हराम माना गया है। फिर चाहे जानवर कोई भी हो, आप उसके पर्सनल पार्ट को खाने की चीज नहीं बना सकते। दोस्तों अब आता है खुशिया, इसे भी इस्लाम धर्म में खाना हराम माना जाता है और आप जानवर का ये शारीरिक हिस्सा नहीं खा सकते। अगर हम अगली चीज के बारे में बात करें तो वो है जानवर की शर्मगाह, क्योंकि आप उनके पर्सनल पार्ट को तो खा नहीं सकते लेकिन उसके आसपास की भी तो जगह होती है, उसका सेवन करना भी इस्लाम धर्म में हराम माना जाता है क्योंकि सारी जगहें सही नहीं मानी जाती। यहाँ से शरीर की गंदगी निकलती है और इस्लाम धर्म का सीधा सा मानना है कि जिस किसी भी चीज में गंदगी हो उसे आप खा नहीं सकते। यही वजह है कि इस्लाम धर्म में सुअर को खाना हराम माना जाता है, क्योंकि सुअर उल्टी सीधी गंदगी खाता है और इस तरह के जानवर को खाने से शरीर में बीमारियां फैल सकती है। अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में, जो और कुछ नहीं बल्कि गिल्टी है, जो जानवर में कभी कभार हो जाती है। ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है ये चीज अपने आप में गलत है, जिसमें गंदगी होती है, बीमारी होती है और इसमें बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कभी भी किसी जानवर के अंदर गिल्टी होती है तो उसके शरीर का वो हिस्सा फूल जाता है और उसमें तरह तरह की अजीबो गरीब चीजें और गंदगी वगैरह जमा हो जाती है, जिसे खाना मतलब अपनी जान का जंजाल लेने के बराबर है। अगर हम अगली चीज के बारे में बात करें तो दोस्तों वो कुछ और नहीं बल्कि जानवर का चेस्ट वाला हिस्सा है, जिसे खाना इस्लाम धर्म में सही नहीं माना जाता। और अगर हम इस्लाम धर्म में न खाई जाने वाली सबसे आखिरी चीज के बारे में बात करें तो वो है पित्ता। इसके बारे में आपको पता होगा ये बहुत ही ज्यादा तीखा होता है। ऐसे में अगर आप जानवर के शरीर का ये हिस्सा खाते हैं तो इसे बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता। पहली बात तो ये आपके शरीर के लिए सही नहीं है, दूसरी बात इसे खा पाना ही बड़ा मुश्किल है। ऐसे में अगर कभी जानवर को हलाल करते समय जब उसे बनाते हैं तो कभी कभार वो फूट जाता है, और ऐसी स्थिति में आपको अच्छी तरह से मीट को धोकर बिल्कुल साफ सुथरा करके लेना चाहिए, और जब आप साफ सुथरा कर लें तभी आप उसे बनाकर खाएं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसके साथ मीट का सेवन करते हैं तो ये हराम माना जाता है।
ऐसे में दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर किसी जानवर को खाना इस्लाम धर्म में जायज माना गया है तो उसके शरीर के हर हिस्से को इंसान खा सकता है। नहीं, आप केवल उसके शरीर के मीट के हिस्से को ही खा सकते हैं, क्योंकि ये जो 6-7 चीजें होती है इसे अगर आप खाने लगेंगे तो बीमारियां आपको ऐसा चपेट में लेगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इलाज कैसे कराएं। जिस तरह हमारे शरीर में कुछ समय गंदगी इकट्ठा होती है, ठीक उसी तरह जानवरों के शरीर में भी कुछ हिस्सों में गंदगी इकट्ठा होती है जिससे खाना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए अगर आप मुसलमान हैं तब तो इन चीजों का सेवन ना करें, लेकिन अगर आप किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं तब भी आपको इन गलत चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए घातक साबित होंगी। हालांकि इन सब के अलावा आप जानवर के किसी भी शारीरिक हिस्से का सेवन कर सकते हैं, और इन सारी चीजों में हमने पंजे का कहीं भी जिक्र नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जायज जानवरों का पंजा भी खा सकते हैं, यानी मुर्गे और बकरे वगैरह का पंजा खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप उसे खाएं तो अच्छी तरह से साफ कर लें और बाकी जो गंदगी वगैरह है उसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बता दो कमेंट में, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।